नमस्कार दोस्तों, आज 10 सितंबर 2024 दिन क्या है भाई, आज मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास, साथ तो दफ्तर में बैठे जी यहाँ पर। भाऊ जी राम राम जी। राम राम बढ़िया जी, ठीक बस धीरे 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 चल रहा, महाकाल जी का आशीर्वाद है जी, बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल वही बैठे जी जो सही कह देंगे, नहीं तो इतनी जल्दी जो सिचुएशन आपके साथ हुई इतनी जल्दी आदमी ठीक नहीं होता भाई साहब। बस अभी भी दवाई खा रखी जी, दवाई के सहारा चल रहा, हो सकता है डॉक्टर पे जाना पड़ेगा ज्यादा। बाइक उछल गई, उछलने के कारण जंप आ गया बाइक में बहुत ज्यादा। हाँ वो तो मेरे हाथ में बाइक थी, कंट्रोल हो गई, फ्लाई ओवर के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रैली जा रही थी। अच्छा जी, वो ज्यादा स्पीड में थी ट्रैक्टर ट्रैली जीटी रोड के ऊपर, उसमें थी ईंटें लदी हुई, ईंट की भरी हुई ट्रैली थी वो। अच्छा, जैसे ट्रैली में जंप लगा ना, उसमें से 10-15 ईंट उछल के सड़क के ऊपर गिर गई। ओहो, और मेरी जो है बाइक उसके ऊपर चढ़ गई। तो जैसे मैंने देखा ईंट, मैंने कंट्रोल तो कर ली, पर मैं भी सीट से 3-4 फुट ऊंचे उठ गया और कमर में आ गया बहुत ज़्यादा जोर के झटका। अब डॉक्टर पे जाना धीरे धीरे करके। मैं आप तो जल्दी ठीक हो जाओ, हम 12 तारीख को निकल रहे हैं, बिना आपके निकलूंगा। सीढ़ियों पे भी चढ़ा नहीं गया, बैठा भी नहीं जा रहा है, मेरे को नीचे बुला लेते बस नीचे। खाली था, मैं ऊपर आके बैठ गया। अच्छा जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, क्या स्थिति? 13-14 गाड़ी है, बिक्री कम है, और भाई तब चाइना 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 हो रखा है, पूरे पंजाब में चाइना भर रखा है। मेरे को आज भी वीडियोस आई हैं कि जी पूरे पंजाब की मंडियों में कुछ किसान गए थे माल बेचने, तो उन्होंने वीडियोस भेजी कि जी पंजाब की मंडियों में देखो सारा चाइना भर रखा है, अब क्या करें। मैं कहा इसके लिए क्या कह सकते हैं हम भाई, हम जो कह सकते कर ही रहे हैं, अपने अपने मंत्री महोदय पे जाओ, उनको बोलो कि ऐसे ऐसे तो दिक्कत आ रही है। वहाँ की मंडियाँ बंद चल रही जी, कुछ मंडियाँ एमपी में? हाँ कुछ लोगों ने मंडियाँ बंद भी हैं, कुछ मिक्स हो रहा है, कोई बंद करा के किसी ने खोल रखा है। बेसिकली देखो जी, राजनीति मैंने आ गया जी इसमें कोई। हाँ मैंने पहले बोला था राजनीति में ना पढ़ के हम लोग मेन मुद्दे पे आए कि चाइना का लहसुन जो इलीगल वे में आ रहा है ये बंद होना चाहिए, उसके लिए हमारे को आगे बढ़ना था। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ नहीं आई हमारे को। तो अब ये देखिए पंजाब में ये ऐसे चाइना आके हाँ जी बिक रहा है, वहाँ पे क्या करते हैं आड़ती 3-3, 4-4, 5-5, 10 कट्टे से रखते हैं, बाकी गोडाउनों में मंडी से बाहर गोडाउनों में पड़े हैं। ठीक है जी, तो ये वहाँ के किसान ने मेरे को भेजी है। ठीक है जी, वो जी वो पड़े हैं वहाँ पे, तो वहाँ से वो उस हिसाब से अपना व्यापार कर रहे हैं। ये देखिए ये चाइना लहसुन होता है, लोगों ने कहा था दिखा दीजिए चाइना लहसुन, दिखा देते हैं जी ये चाइना लहसुन। अच्छा जी, ये सारा चाइना लहसुन है जी? हाँ। ठीक है जी, ये तो अपना जैसा अपना हिमाचल है जी, बिल्कुल उसी टक्कर का है जी सारा। तभी तो ये एक आम आदमी इसको पहचान नहीं पा रहा, सिर्फ फर्क यह है जब आप इसको तोड़ेंगे हाँ जी, जीप पे लगाएंगे, इसमें चराहट कम होगी। अच्छा जी, और अपने हिमाचल वाले में चराहट ज्यादा है। ठीक, ये फिक्का है? नहीं फिक्का है, ये फिक्के बन पे है। जैसे आप ये देख लो, हम फूजी एप्पल खाते हैं चाइना का सेब, तो उसमें जूस तो होता है लेकिन मिठास नहीं है। ठीक है जी, और हम ऑल ओवर वर्ल्ड का कहीं का खा ले उसमें जूस है, और हिंदुस्तान का तो जूस है ही है, चरचराहट नहीं होती इंडिया में। ठीक है, इंडिया वाला थोड़ा सा ढीलापन होता है लेकिन मीठा होता है, मीठा पूरा है। इसमें कड़कपन है लेकिन मिठास नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही ये इस लहसुन में भी फीकापन है, चरचराहट नहीं है। ठीक, जबकि हमारा इंडियन लहसुन है, भले वो हिमाचल का हो और कश्मीर का हो, क्योंकि ये उससे टक्कर खाता है, ठीक तो उनमें चरचराहट होगी, इसमें चरचराहट कम होगी। ठीक है जी, तो अभी क्या पोजीशन है? ये साफ दिख रहा है एकदम वाइट माल है, ब्लीच हुआ हुआ माल है। तो मंडी में यहाँ स्थिति क्या जी, रेट रूट यहाँ के? बिक्री कमी है जी, यहाँ भी वही है, चाइना ने परेशान कर रखा है मार्केटों में, चाइना चाइना रखा, वो भले छोटी मंडियाँ जितनी भी है मजादपुर मंडी की छोड़ दें, छोटी मंडियाँ भी ले लें तो वहाँ भी भला पड़ा, नोएडा हो गया, गाजीपुर हो गया, कोई भी मंडी हो गई। ठीक है जी, तो वहाँ पे चाइना है,
तो एमपी की कुछ मंडियाँ बंद है, राजस्थान की भी बंद है जी कोई? वहाँ भी, वहाँ बहुत बंद है, मेघापुरी में बंद है वहाँ पे। अच्छा, बट बेसिकली लोग विरोध तो कर ही रहे हैं चाइना का, और होना भी चाहिए। तो राजनीतिक मुद्दा इस चीज के, अब पता नहीं राजनीति क्या हुई है, ये तो इंटरनल मेरे को पता नहीं। मैंने तो कल भी आपके इंटरव्यू बोला था, मनीष नागे के इंटरव्यू में बोला था कि जी चाइना का विरोध का समर्थन हमारे सबको कहना है, हम लोगों को इस मुद्दे को अच्छे अपने अपने मंत्रीगणों तक, हाई लेवल तक पहुंचाना है कि कैसे भी ये चाइना रुके। तो इसमें कुछ राजनीतिक दल भी आ गए, अपना झंडा ठाके जी भी, क्या कह सकते हैं सर? मैं देखो, हम एक नॉर्मल आदमी है, ना इतना ज्ञान है ना इतनी समझ है ना। ठीक है जी। तो मैं एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था, तो हमने उसके ऊपर अभी से नहीं, मैं 3 साल से लगा हूँ। ठीक है जी। अब सबको एक जागृति आ गई सब में कि जी नहीं, वाकई में ये गलत है। व्यापारियों को भी दिख रहा है, हर तीसरा साल, चौथा साल, कई साल हो गए, जब थोड़ा चांस मिलता कमाने का, चाइना आ जाता है, वो सबकी हड्डियाँ तोड़ देता है। उसके अलावा विदेशों से माल आए, एक नंबर में आए, चलता है, आप कंपटीशन करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बैन हो रखा है वो आ जाए इलीगल वे में, तो वो डिस्टर्ब करेगा ना। ठीक है, व्यापार को तो छोड़ दो, डिस्टर्ब हो ही जाए व्यापार, सेहत से खिलवाड़ और होगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ में स्थिति क्लियर होनी चाहिए कि ये बैंड है कि नहीं है। पहली तो स्थिति ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी गुजरात में गोंडल में जब माल रोका, पकड़ा गया, तो वहाँ पे बहुत एक ना कंट्रोवर्सी हो गई। ऑफिसर्स लोग कह रहे थे कि बैन नहीं है, आप 100% टैक्स जमा करवा के ला सकते हैं। और फिर उन लोगों ने नेट पे दिखाया कि 2014 से बैन है, नेट पे दिखा दिया बैन है। ठीक है जी। भारत सरकार ने बैन कर रखा। तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बैन है कि नहीं है। जैसे कल भी जो है ना कमेंट आए थे जी, कल भी कमेंट आए थे कि आप बोल रहे कि ये बैन है ये नहीं है, जो एक नंबर से आएगा आप स्वागत करेंगे, दो नंबर से आए तो दिक्कत क्या जी इसमें, इसमें दिक्कत क्या रही? मैं बता दूँ, पहली बात, चाइना भारत सरकार ने बैन कर रखा है। ठीक है जी। तो बैन है तो क्यों है, वजह सबको सामने पता चलनी चाहिए कि इसमें कितनी कमियां हैं। ठीक है जी। और वो उसके बावजूद हमारे इंडिया में स्मगल्ड होके आ रहा है पैसे के लालच में, तो एक कमियां सामने आनी चाहिए। और अगर हम लोग उसका बैन खोलते हैं तो एक चीज़ सामने आ जाएगी कि अब ये बैंड आइटम नहीं है, अब इससे हमने कंपटीशन करना है, तो एक साफ कंपटीशन होगा। एक होता है चोरों से कंपटीशन, स्मगलरों से कंपटीशन, वो आप कैसे कर लोगे? एक होता है व्यापार, बैंड आइटम जैसे अफगानिस्तान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, ये व्यापार है। ठीक है जी। जैसे आजकल कंपटीशन कर सकते हो, सेब आ रहा जी, चेरी आ रही, और काफी चीजें आ रही इसमें, ये बिजनेस हो गया कि वो आए अपना टैक्स जमा करवाए, आया और अपना आपने कंपटीशन किया। ठीक है जी। अब हो गया था अफगानिस्तान और ईरान से भी, वहाँ का माल दिखा के कपड़े अफगानिस्तान के बना दिए, माल चाइना का, वो भी हो रहा है। तो ये चीज़ें एक ना क्लियर होनी चाहिए, और उसमें गवर्नमेंट का रोल पूरा होना चाहिए। ठीक है जी। हालांकि व्यापारी लोग, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है जी। हम कहते हैं जी पूरा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का चाहिए, जिसमें वो चेक करें, क्योंकि यहाँ पे सीधा मुद्दा आ रहा है लोगों की सेहत से खिलवाड़ का। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन होगा तो गलत माल नहीं आएगा। ठीक है जी। डरेंगे लोग गलत माल लाने से कि गवर्नमेंट की लैब्स बैठी हुई हैं, ऑफिसर्स अलर्ट हैं कि कल को, अब जैसे आप आते हैं कहीं से सोना लेके आते हैं, आप अलर्ट होते हैं कि ज़्यादा सोना आ गया तो पकड़ लेंगे एयरपोर्ट में। ठीक है। होता है ना। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन होगा ढंग से, तो समझ लो आप कि ये दो नंबर का माल आना बंद हो जाएगा, जो ये घुमा के भी ला रहे हैं दूसरे देशों से वो बंद हो जाएगा। कम से कम आप एक साफ कंपटीशन के माहौल में व्यापार कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अब इसकी रणनीति क्या बनेगी आगे की आपकी? अब सर मेरी पहले भी रणनीति कुछ नहीं थी, अभी भी रणनीति कुछ नहीं है। बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ, कुछ वहाँ पे सबसे मिलूँगा, मंदसौर जाऊँगा पहले,
जाऊंगा नहीं, चलेंगे हम, तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी, चलेंगे, अब भगवान बाबा ने चाहा तो आप 12 तारीख तक ठीक हो जाओगे, आपको लेके चलूंगा। मंदसौर में क्या चीज़ है? मंदसौर में जी वहाँ पे सब किसान भाई इकट्ठे होते हैं, व्यापारी लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ से मैं, कोई इकट्ठे हो या ना हो, वहाँ पे मैंने बेसिकली इस मुद्दे पे बंसीलाल जी ने, जो हमारे माननीय सांसद हैं, उन्होंने संसद में उठाया था। ठीक है जी। कुछ दिन फर्क पड़ा, उसके बाद बहुत ज़्यादा आ गया क्वांटिटी में, तो उनको संज्ञान में डालना है कि सर ये ऐसे ऐसे दिक्कत बढ़ गई है, तो इससे सारा देश का किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हमने तो वो मुद्दा उनके आगे रखना है। ठीक है जी। ना तो मैं कोई रैली कर रहा हूँ, ना मैं कोई भीड़ इकट्ठी कर रहा हूँ, जो मिलने आएंगे वो मेरे पास आएंगे ही, तो हम बंसीलाल जी को बेसिकली अवगत करवाने जा रहे हैं कि साहब ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। ठीक है जी। तो इसके लिए सरकार हमारी क्या मदद कर सकती है? ठीक है जी। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहाँ होंगे उज्जैन में, जैसे उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो वो उज्जैन में ही थे पीछे। ठीक है जी। उनसे पूछ लेंगे कि वो होंगे उज्जैन, तो फिर हम वहाँ भी चले जाएंगे, उज्जैन जाना ही है हमने। ठीक है जी। हम मुख्यमंत्री जी पे भी अपना एक ज्ञापन देंगे, मेन तो ज्ञापन बंसीलाल जी को देंगे। ठीक है जी। अगर वो मिलते हैं, वैसे तो मैंने उनको आग्रह किया है। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जो है महाकाल बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे जी। वहीं से होते हुए चल लेंगे। ठीक है। आएगा तो मंदसौर रस्ते में ही, तो बस मंदसौर थोड़ी देर का काम है, उनसे मिलके हमने कौन सा वो तामझाम कहना है, कौन हमारे को जानता है। ठीक है जी। वहाँ से उनको ज्ञापन देके जय बाबा महाकाल, उसी दिन निकल पड़ेंगे महाकाल। ठीक है जी। और उसके बाद फिर उसके अगले दिन इंदौर, 14 तारीख को हम दोपहर को इंदौर में मिलेंगे सबको, मंडी में, और चौगाला रेस्टोरेंट हमारे मित्र हैं सुमानी जी, उनके वहाँ पे भोजन करेंगे। ठीक है जी। तो जिन्होंने इंदौर में मिलना है वो चौगाला में मिल लेंगे, फ़ोन कर लेंगे मेरे को, जिन्होंने मंदसौर में मिलना है, मैं मंदसौर में भगवान ने चाहा 9 बजे उपस्थित हो जाऊँगा मंडी के अंदर। सुबह नौ बजे वहीं पर हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सांसद महोदय मंडी आ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, नहीं आए तो उनके घर चल पड़ेंगे। ठीक है जी। है ना जी। देखिए जितना आराम से संयमित होके हम मर्यादित भाषा में अपनी सरकार के आगे बात रखेंगे, उतनी जल्दी सुनवाई होगी, हुई भी है। ठीक है जी। अभी फिर अभी लोग टांग खींचेंगे, अंधभक्त, फलाना भक्त, ढिमकाना भक्त, भैया एक अगर मर्यादित और संयमित भाषा में अगर किसी को हम बोलते हैं ना तो सामने वाला सुनता है, पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, तो अगर हम किसी नॉर्मल आदमी को भी प्यार से बोलते ना, आपकी गाड़ी ठुक गई, आपने किसी की गाड़ी ठोक दी और उसको कहते भाई साहब माफ़ी मेरे से ठुक गई, तो ये तो पक्का वो थप्पड़ नहीं मारेगा आपको। ठीक है जी। गाली भी देते हो सोचेगा, जहाँ उन्हें गाली देनी होगी वो चुप हो जाएगा या हाथ जोड़ दे जान दे। ठीक है। तो भाई आपने अगर संसद भवन में अपनी बात पहुँचानी है, संसद भवन में आपको बोलने का मौका मिलता है, अगर कहीं पूरे देश को बताना है तो मर्यादित भाषा में तो बताना पड़ेगा। ठीक है जी। हम गालियां दे के बोले, उल्टा बोले, तेज तेज आवाज में चीख चीख के बोले, रैली करके झंडे लेकर चले, नहीं होता। ठीक है जी। तो भाई पहले ही हाथ जोड़ के ज्ञापन दे लेते हैं, वहां नहीं माना जाता या कुछ नहीं सुनवाई होता, ये उसका सेकेंड स्टेप होता है। पहला स्टेप आप जाओ तो सही, सामने वाला अगर सुन रहा है, भाई पहले इन्होंने संसद में उठाया कौन सी रैलियाँ, कौन से झंडे उठ गए थे। ठीक है जी। पहले भी उठाया था, मेहनत हुई है उस पर। ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ वो एक दिन की मेहनत नहीं है, एक दो साल की मेहनत है, लेकिन है हुई ना। तो ये कितने साल से, कौन से सन से बंद है जी फिर ये? देखो जी 2014 से बैन लगा हुआ है इस पर, जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल 2014 से बैन है। ठीक है जी। हाँ, जो कि उसमें नेट पे अवेलेबल है ये बात, और सांसद साहब ने भी यही ब्यौरा दिया था, अगर आप उनका भाषण सुनना चाहें तो उसमें ब्यौरा है ये। ठीक है जी। जी चलिए, धन्यवाद बाबू जी। 13 तारीख को मंदसौर में मिल रहे हैं सुबह 9 बजे जो जो भाई आ रहे हैं आए, स्वागत है, मिलते हैं, आगे बात रखते हैं। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। राम राम।